हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर अपने अरे हाँ ये पीछे आप जो देख रहे हो ना, तो ये है मेरा सबसे फेवरेट फार्म जो कि मैंने खुद से इन्वेंट किया है। मतलब आपने वन ब्लॉक देखा ही होगा, तो वन ब्लॉक में जैसा होता है ना, उसी टेक्निक के मदद से मैंने वो जनरेटर क्रिएट किया है। इंट्रो भी नहीं देता, माइनक्राफ्ट देने देता है यार। रात हो गई, रुको मैं आपको रात। हाँ गाइस, तो हमारी रात कंप्लीट हो चुकी है, मेरा मतलब रात खत्म हो चुकी है। और सुबह का सूरज देखो कितना चांद की तरह चमक रहा है, मेरा मतलब सूरज सूरज की तरह चमक रहा है, चांद भी सूरज की रोशनी है। तो छोड़ो, हाँ तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये स्टोन फार्म दिखा दिया था। ये मैंने खुद से जनरेटर क्रिएट किया है, स्टोन फार्म मतलब स्टोन जनरेटर, कॉबल स्टोन जनरेटर, जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको सिंपली कैसे किया। एक रिव्यू दे देता हूँ वापस से, थोड़े से ब्लॉक, और ये बेहद ही आसान है। मतलब एकदम क्या ही काम करता है यार, मतलब मैं खुद बहुत खुश हो गया कि मैंने खुद से बनाया है ये। सोच कर ही देखो, यहाँ पे लावा डाला हुआ है और ये अभी ऑफ है, तो ये अपने आप आएगा नहीं बाहर, अभी ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एक रेडस्टोन ब्लॉक बनाया हुआ है जो 24 का मेरा मतलब है, हाँ 24 आवर्स ये चालू रहता है 24/7। तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके लिए जुगाड़ कर दिया है। जुगाड़ मतलब हाँ वो जुगाड़ कर ये देखो, लीवर जैसे मैं ऑन करूँगा ना, वहाँ से कॉबल्स पे आना शुरू हो जाएगा। वो देखो ये थोड़ा सा स्लो है नॉर्मल से, और ये देखो ये मैंने दीवार भी यहाँ पे खड़ी कर दी है ताकि यहाँ से कोई अंदर जा ना सके। और इसकी यूनिक बात है, देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ना, ये मेरे को दिखाता भी जाता है क्योंकि ये दीवार का मतलब ये दीवार यहाँ से कनेक्ट हो जाती है कॉबल स्टोन से, और ये इस लिमिट पे आने के बाद रुक जाता है। अभी मुझे इसको तोड़ना है, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना तो वापस से एक और कॉबल स्टोन आ जाएगा, तो इसलिए इसके लिए मैंने ये जुगाड़ कर लिया है। मैंने क्या किया, क्योंकि ये जो लीवर है ना, ये डायरेक्टली पिस्टन को कनेक्ट कर दिया, तो जिससे कि पिस्टन उस समय के लिए ऑटो एक्टिव हो जाता है, मतलब लीवर की मदद से एक्टिव हो जाता है, ऑटो नहीं पिस्टन एक्टिवेशन में रहता है। जैसे एक बार आएगा अभी नहीं आएगा। ये बेहद ही मस्त लगता है देखने में, मतलब जैसे जैसे वो आगे जाता है तो ये जो पेन से स्टोन पेन वो मतलब जैसे लोडिंग होता है ना, डाउनलोडिंग उसी तरह ये भी बढ़ता रहता है, तो बहुत ही देखने में अमेजिंग लगता है वो व्यू, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये लगाया है। बस बाकी कुछ नहीं, इसको मैंने सिर्फ ये कवरिंग कर दिया ताकि लावा कुछ भी हो जाए तो बुझे ना, मतलब ख़राब ना हो जाए मेरा ये मशीन। और यहाँ पे तो अनलिमिटेड वाटर का सोर्स है, बाकी सब तो आपने देख लिया है। मेरा घर अभी भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब इसमें से कांच लगाने बाकी है, वो तो मैं आपके सामने ही लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आप फिर से बोल देना कि भाई जो आधा अधूरा काम छोड़ के वीडियो दिखाता है। मेरे दरवाजे के ऊपर भी यही था कि वही आइडिया था मेरा कांच का, थोड़ा सोच के क्या करना है, क्या थोड़ा यूनिक स्टाइल से उसमें खुला था। तो आज का हमारा एक्चुअल टारगेट है, तो मेन बात पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है कि मुझे एक रैंप बनाना है, जैसे कि आपने देखा ही होगा अभी इंट्रो करने में कितना प्रॉब्लम आया, तो इंट्रो करते समय कुछ अच्छा भी नहीं ऐसे देखने में लग रहा था। तो मैंने एक आइडिया सोची है कि क्यों ना मैं एक ऐसा रैंप बनाऊं जिसके ऊपर मैं खड़ा होकर इंट्रो दे सकूं, सिर्फ इंट्रो के लिए एक खास रैंप बना देता हूँ। और जो भी लोग नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी है, तो वो लोग भी ये रैंप यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये पूरा वीडियो देखना ताकि आपके लिए वो ट्यूटोरियल भी हो जाए, वैसे देखा जाए तो ये बहुत ईजी है। और हाँ, हमें नेदर पोर्टल भी एक्टिव करना है, मेरा मतलब नेदर पोर्टल बनाना है, ये भी हमारा आज का टारगेट है। तो आज के हमारे ये दो टारगेट है, गोल्स है, जिनको हमको कुछ भी करके कंप्लीट करना ही है। ओके, तो कांच तो मैंने लगा दी है, मतलब पूरा इनकम्प्लीट लग रहा था, अभी पूरा कंप्लीट लग रहा है। और वो जो घर का लग रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक्चुअली बना रहा था, तो लुक अच्छा आ जाए,
लुक वाइज देखने में अच्छा लगता है क्योंकि वो ओके। और यार और तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कितने व्यूज कर रहे हैं यार, यार तुम लोग देखते ही नहीं हो पूरी वीडियो, और देखकर भी जाते हो तो लाइक शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, क्यों करते हो यार, मेरे को यूट्यूब हमेशा बताता है कि तेरे व्यूज कम होते जा रहे हैं, देख लिया करो यार वीडियो, देख लिया करो पूरी वीडियो देखो, मैं ये चैनल अच्छा है, मैं कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता हूँ, और ये ऑल इन वन चैनल मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ गेमिंग नहीं मिलेगा, तो गेमिंग के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा गणेश जी का मैंने डाला था एक वीडियो, उसके बाद मैंने अपना और भी बहुत कुछ डाला है, अभी मेरे को खुद को याद नहीं है। एक्चुअली मैंने देखा है तुम लोगों ने सिलेंडरी नाक वाले को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलेंडरी नाक का पार्ट टू निकाल ही दूँ, क्योंकि मैंने बोला था उस वीडियो में कि पार्ट टू आएगा, लेकिन कुछ समय से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मोबाइल भी मेरा ख़राब हो गया था बीच में, तो इसकी वजह से मैं बहुत बार वीडियोज़ नहीं डाल पाया था। ठीक है, तो आज का हमारा गोल कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़े फोन को पकाना पड़ेगा, रुको मेरे पास बहुत सारा फ्यूल तो हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास फ्यूल नहीं है, नहीं नहीं इसमें है, इसमें थोड़े स्टोन डाले, वो स्टोन मेरे पास है ना पहले से, तो थोड़े ही बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा तो कुछ लगेंगे नहीं, देखते इसके कितने बनते हैं। मुझे चाहिए होगा ये वाला स्टोन, क्योंकि ये बेहद ही मस्त दिखता है दिखने में, और मैं सोच रहा था कि हम लोगों को खड़ा होने के लिए तो ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो क्यों ना मैं इनका मतलब क्या बोलते हैं उनको स्लैब्स बना के ले लूँ, क्या लगता है तुम लोगों को, मैं इसका स्लैब भी बना के दे लेता हूँ, स्लैब तो आसान पड़ेगा ना, और स्लैब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब स्टैक बन जाएगा, एक या दो भी स्टैक बन सकते शायद, देखो मैंने बोला ना, तो ठीक है स्टैक मिल गया है मुझे, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे और क्या लगेगा थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए रैंप को, मैं रैंप सोच रहा हूँ कि कहाँ पे बनाऊँ, मैंने जगह भी एक्चुअली सोच ली है, मैं काम करता हूँ रैंप है ना यहाँ पे बना लेता हूँ, नहीं यहाँ पे तो खेत है ना, फार्म भी मांगे बाकी के, ठीक है देखते हैं अपन कहाँ पे रैंप बना सकते हैं, और जगह मैंने, अरे हाँ यस मुझे याद है, पिछली बार मैंने एक जगह ये खाली करके रखी थी जानबूझ के, जहाँ पर मुझे काम आने वाला था फ्यूचर में, तो इसी जगह को इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ ये रही ये जगह रैंप के लिए एकदम ठीक रहेगी, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा सिर्फ हटा देते हैं, और ये भी हटा ही देते हैं, रुको देते थोड़ा खाली कर देते हैं, थोड़ा प्लेन दिखेगा एक तो अच्छा रहेगा, जैसे भी ये ऊपर तक जाने वाला है तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, ओके। और यहाँ से भी यहाँ से गोल करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से इक्वलाइजेशन करने के लिए, रुको मैं यहाँ पे ना अलग कुछ इक्वल नहीं करता हूँ, डर्ट ही लगा देता हूँ सिंपली, सिंपली डर्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से वहाँ पे मेरे स्टोन भी स्ट्रॉन्ग है, कोबल्ट स्टोन भी कम है,
गाइस, तो मैं वापस आ चुका हूँ। और एक्चुअली क्या है गाइस, सॉरी लेकिन ना मैं इसमें दोनों गोल्स एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, बोलो या तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं दोनों गोल्स एक साथ नहीं कंप्लीट कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो और तुम लोगों को भी बोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये सब कुछ फास्ट में इसलिए दिखा रहा था। और दूसरी बात है कि ये मेरा सिर्फ एक गोल ही इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पक्का बोलता था मैं, नेक्स्ट वीडियो में कम से कम दो गोल तो कंप्लीट करेंगे ही हम। नेक्स्ट वीडियो के मेरे ज़्यादा करके गोल नेदर में जाना होगा, मतलब नेदर पोर्टल को एक्टिव करके नेदर में जाके वहाँ से क्वार्टर्स वगैरह के ब्लॉक्स, मतलब क्वार्टर्स वगैरह लेकर आना होगा, जिससे कि हम ऑब्जर्वर बना पाए और भी अलग अलग तरीके के फार्म और मैकेनिज्म्स में बना पाऊँ। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात का तो अश्योरेंस देता हूँ कि मैं आज जो भी कंटेंट डालता हूँ वो सब फैमिली फ्रेंडली रहता है एक तो, और दूसरी बात मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एंटरटेनिंग भी हो और सबको पसंद भी आ जाए। ऑफकोर्स एंटरटेनिंग होगा तो पसंद तो आ ही जाएगा, और दूसरी बात मतलब वो कंटेंट ऐसा हो कि लोग देखते ही रह जाए। मेरा मतलब जैसे कि मैंने खुद से फार्म बनाया है स्टोन का जनरेटर और इस चीज़ को यूज़ करते हुए, वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद से बहुत सी चीज़ें बनाऊँ ताकि तुम लोगों को भी नए और इजी से इजी आइडियाज़ मिले अपने वर्ल्ड में भी कुछ बनाने के लिए। और कितने जनों ने ये अपने वर्ल्ड में ट्राई किया हो जनरेटर, ये मुझे तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये तो भी लास्ट बस डेकोरेशन ही करो, बाकी अपना मेन रैम तो यही है, ये थोड़ा साइड से भी लगा दे रहा हूँ ताकि मॉक्स और इससे प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पे थोड़ा मैं स्टाइलिश के लिए एक गिलास वगैरह लगा दूँगा थोड़ा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना यार गाइस, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं अपने। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे वीडियोस में और मैं मतलब क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे चैनल में, ताकि मैं अपने चैनल को भी बढ़ा सकूँ। और आज मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कमेंट करके बता सकते हो और क्या इम्प्रूवमेंट मेरे चैनल में चाहिए मतलब मेरे वीडियोज में। और हाँ गाइस, मुझे पता है माइक और आवाज़ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए बाकी सब भी, तो वो माइक अभी मेरे पास हेडफोन नहीं है, मेरे हेडफोन्स थोड़े ख़राब हो गए थे तो इसलिए मेरे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हेडफोन्स जैसे ही अच्छे हो जाएंगे वैसे ही मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस ला पाऊँगा। तो जितना चाहिए उतना लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, जिससे कि मैं भी अपने हेडफोन्स ले सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।